हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अर्निंग आइडिया चैनल के अंदर। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। आपके छोटे से सब्सक्राइबर से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए नई नई वीडियोस और नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ सकते हैं। तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तो आपका बिल्कुल भी टाइम ख़त्म नहीं करते हुए मैं फटाफट वीडियो को शुरू कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, बाइनेंस के अंदर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर स्पॉट ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग करनी है, बाइनेंस किस तरीके का एप्लीकेशन है, पूरा रिव्यू मैंने इस वीडियो के अंदर दिया है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दी तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि बाइनेंस किस तरीके का एप्लीकेशन है। ये वीडियो उनके लिए है जो बिगिनर्स हैं, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि बाइनेंस क्या चीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट मैं आपको बताता हूँ, हर स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा, सारे क्वेश्चंस और सारे आंसर्स आपके एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है और YouTube के अंदर आपको कोई सा दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी इसके ये वीडियो देखने के बाद में, ठीक है दोस्तों। तो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले बाइनेंस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, या प्ले स्टोर के ऊपर भी आप इसको सर्च कर सकते हो बाइनेंस लिख के, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड और लॉगिन कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप लिंक पर क्लिक करके करोगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा रेफर और अर्न के जो प्रोग्राम है उसके बेस पर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा आप रेफर और अर्न वाली लिंक पर क्लिक करें और वहाँ से इसको डाउनलोड करें, ताकि आपको कुछ प्रॉफिट यहाँ से भी मिल जाए अपलाइन के से, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली फटाफट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। पहले आप इसको लॉगिन कर लेना, पहले ईमेल एड्रेस पासवर्ड या जो भी मोबाइल नंबर वगैरह जो इसमें डिमांड होती है उस चीज़ को डाल के आप इसको पहले इसको लॉगिन कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो मैं अपना इसको लॉगिन कर लेता हूँ, टच आईडी से ये लॉगिन हो जाएगा वैसे, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ पहले। ओके, तो मेरा बाइनेंस अकाउंट लॉगिन हो गया है। आपका अगर लाइट अकाउंट है तो आपको सबसे पहले इसको प्रो के अंदर इसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। बाइनेंस सबसे पहले ओपन होता है तो लाइट के अंदर ही होता है। आपको कोने के अंदर एक चीज़ मिल जाएगी प्रो के लिए, तो कन्वर्ट टू प्रो, तो आपको इसको कन्वर्ट टू प्रो के अंदर कर देना, जिससे आपको सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। लाइट में क्या होता है कि केवल आपको ट्रेडिंग करने को मिलती है, केवल ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन जो प्रो वाला जो सेक्शन है, प्रो वाला जो मोड है इसका, इसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें राज बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। मोर पे आप क्लिक करोगे ना तो ये देखो, यहाँ से आप इतनी ज़्यादा इनकम कर सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। बैठे बैठाए बिना रिस्क के सिंपल स्टेप, कुछ रिस्की टेप है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी है, ऑप्शन ट्रेडिंग भी है, सब कुछ है इसके अंदर। तो हर चीज़ को मैं इसमें इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर चीज़ को, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन आते हैं सेंड के ऊपर, रिकमेंडेड के ऊपर। जैसे आप क्लिक कर दो, मतलब जो आपका सर्विस वाला सेक्शन है तो उसके ऊपर आता है सेंड का वाला, ये आ रहा है सबसे पहले सेंड। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ देखो दोस्तों, सेंड पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो ये बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने खुल गए हैं, ट्रांसफ़र करने का, बाई क्रिप्टो करने का, रिकरिंग बाई। देखो ट्रांसफ़र के अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ट्रांसफर के अंदर ये होता है कि आपका जो ये फंडिंग, यानी कि इसमें देखो अलग अलग वॉलेट होते हैं। सबसे पहली बात, मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बाद में बताऊंगा मैं आपको, पहले मैं आपको वॉलेट के बारे में बताता हूँ कि इसके वॉलेट कितने होते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, वॉलेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सिंपली जैसे आप वॉलेट के ऊपर क्लिक कर दो तो आपको देखिए उसमें ओवरव्यू के अंदर आपको सिंपल स्टेप में जो भी आपका बैलेंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा, एक्स वाई जेड जो भी आपका है, ठीक है दोस्तों। अब स्पॉट के ऊपर क्लिक करते, पहले ये लोडिंग ले रहा है तो होने दो। देखो दोस्तों, मैं इसके एक भी स्टेप मिस नहीं कर रहा हूँ, नहीं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ, नहीं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। वीडियो लंबा जरूर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम का वीडियो है और आपको बोरिंग भी करेगा, लेकिन आप सारी चीज़ें बाइनेंस की सारी चीज़ें इस एक ही वीडियो से सीख जाओगे। आपको बाइनेंस के बारे में सब कुछ एक ही वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर कोई स्टेप रह जाए या छूट जाए तो आप कमेंट करना, मैं उसके बारे में स्पेशल तौर से वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। तो वीडियो पहले, ठीक है दोस्तों। तो अब पहले अपन बात कर लेते हैं वॉलेट की। तो सबसे पहला जो वॉलेट रहता है स्पॉट वॉलेट रहता है।
स्पॉट वॉलेट में क्या होता है, आप जो भी करेंसी परचेज करते हो, जैसे लूनासी हो गया, ट्रोन हो गया, इंच हो गया, ये बहुत सारे इसमें करेंसी से सर्च भी कर सकते हो, यहाँ से बहुत सारी आपको मिल जाएगी अनलिमिटेड, जितनी करेंसी अवेलेबल है वर्ल्ड में सारी की सारी बाइनेंस के ऊपर अवेलेबल आपको मिल जाती है, क्योंकि बाइनेंस एक ऐसा एप्लीकेशन है जो पूरा वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन है, पूरी अपने इंडिया का ही नहीं है, ये USA का, पूरे यूरोप का, अफ्रीका, मतलब सारे देशों में बाइनेंस के जरिए अपन क्रिप्टो एक्सचेंज कर सकते हैं। इंडिया की ऐप की बात करें तो इंडिया की वजीरेक्स है, कॉइन स्विच है, इस तरह के इंडिया की एप्लीकेशन है, ठीक है दोस्तों। लेकिन बाइनेंस है सुपर एप्लीकेशन है, वर्ल्ड वाइड ऐप है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, सबसे मेन एप्लीकेशन ही है बाइनेंस, और इसी के अंदर आपको मिलते हैं सारे के सारे ऑप्शन क्रिप्टो से पैसे कमाने के, बहुत ही ज़्यादा धासुत तरीके भी मैं इसमें बता रहा हूँ। तो स्पॉट वॉलेट में क्या होता है, अपन यहाँ से सिंपली ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि अपन उस कॉइन के अंदर पैसा डाल देंगे, उस कॉइन को परचेस करके रख लेंगे, अब कॉइन की रेट अगर बढ़ रही है तो अपना पैसा भी बढ़ता रहेगा, उसको वहाँ से अपन सेल भी कर सकते हैं, बाद में फंडिंग में उसका पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फंडिंग आ गया, फंडिंग में क्या होगा, आपका पैसा ऐसे सेपरेट पड़ा रहेगा, उसी भाव के अंदर फिक्स हो जाएगा, आपका पैसा पड़ा रहेगा ऐसे ही, आपने क्या किया फंडिंग में अपना पैसा स्टोर किया हमने, और कुछ नहीं होगा फंडिंग में, ठीक है। मार्जिन के अंदर बात करें तो मार्जिन में आपका कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिला है और आपने कितना क्रॉस वगैरह क्रॉस हो गया, आइसोलेटेड हो गया, ठीक है, तो ये सारे मार्जिन के आ गए, आपने फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कितना ज़्यादा खर्चा किया है, वो सारा इसके अंदर आ गया, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इसकी बहुत ही ज़्यादा लंबी प्रोसेस है और ये अपन लास्ट में वीडियो के लास्ट में इसको कवर करेंगे मार्जिन को भी। तो पहले आ जाते हैं अपन फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। तो देखो दोस्तों, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर दो ऑप्शन है, USD अम फ्यूचर और कोइन अम, ठीक है दोस्तों। तो कोइन अम में क्या होता है, जैसे अपन कोइन अम पे क्लिक करेंगे तो अपन क्या करते हैं, कोइन अम से कोइन टू कोइन ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर के अंदर। जैसे आपने बिटकॉइन आपके पास है तो बिटकॉइन के पैर में अगर आपने ले लिया ट्रोन ले लिया, ट्रोन के अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हो बिटकॉइन के पैर में, तो इस तरीके से इसमें कोइन टू कोइन ट्रेडिंग होती है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, जैसे मैं आपको USD के अंदर बताता हूँ, USD एम फ्यूचर में, तो जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, 8 USDT मैंने यहाँ पे परचेस करके रखा है, मेरा भी यहाँ पे लॉस हो रहा है क्योंकि मैंने इसको बाय लॉन्ग के अंदर परचेस कर लिया था, ठीक है दोस्तों, बाय लॉन्ग के अंदर मैंने इसको परचेस किया, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस लिया, क्रॉस और आइसोलेटेड, वहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, आइसोलेटेड होता है और एक होता है क्रॉस होता है। तो क्रॉस और आइसोलेटेड के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी, फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा अभी, पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बेसिक नॉलेज दे देता हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग और वॉलेट के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे वॉलेट है एक तरह का, जिसमें आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का जो भी आपको लॉस प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग तो जो भी आपका है लॉस प्रॉफिट XYZ जो भी है आपका, सब कुछ यहाँ पे आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। दो ऑप्शन और मिलते हैं आपको, अर्न का मिलता है विदाउट ट्रेडिंग, विदाउट ट्रेडिंग आपका पैसा पड़ा पड़ा बढ़ता रहेगा, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हो और अपने पैसों को ऐसे ही अगर आपके पैसे बैंक में पड़े हो और उन पैसों का आप ब्याज चाहते हो, अच्छा ब्याज चाहते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है। डेफी के अंदर सेम प्रोसेस है, तो ये डेफी का भी अपन लास्ट में कवर करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है इसमें भी, क्योंकि इसमें भी मतलब ज़्यादा अच्छी इनकम अपने को यहाँ पे भी मिल जाती है पर ईयर के हिसाब से, एनुअल इनकम होती है। तो अब अपन आ जाते हैं सिंपल वॉलेट के बारे में, आपको मैंने बता दिया, स्पॉट हो गया, फंडिंग हो गया, अपन क्या करते हैं फंडिंग के अंदर अपना जो भी पैसा होता है वो पैसा कहीं भी नहीं जाता है, वो सेपरेट होता है, उसको अपन कहीं भी ट्रांसफर वगैरह भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे मेरा पैसा स्पॉट में आता है तो स्पॉट से पैसा अपन किसी भी कॉइन के अंदर एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पॉट में कॉइन टू कॉइन ये हो गया, और फंडिंग में केवल पैसा पड़ा रहेगा सेपरेट रहेगा, उसको अपन यहाँ से विड्रॉ जरूर कर सकते हैं। तो सपोर्ट वॉलेट क्या हो गया, सेकंड वॉलेट हो गया, सपोर्ट वॉलेट है सेकंड वॉलेट, जहाँ से अपन ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, अपना पैसा स्टार्ट हो जाता है ट्रेडिंग के लिए, उस पैसे को अपन कहीं किसी भी कॉइन के अंदर भेज सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर भेज सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वहाँ से स्पॉट वॉलेट से। लेकिन फंडिंग वॉलेट से केवल अपन विड्रॉ कर सकते हैं पैसों को और कुछ भी नहीं सकते। तो अपने को सबसे पहले क्या होता है, अपन जो भी अपन परचेस करते हैं यहाँ से अपन जो इस ऐप के अंदर अपन पेमेंट डालते हैं ना, तो भी वो फंडिंग के अंदर आता है सबसे पहले। तो फंडिंग से अपने को पैसों को सबसे पहले स्पॉट में ट्रांसफ़र करना होता है, स्पॉट के बाद में अपन किसी के अंदर भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखो फंडिंग में आ गया, अपन क्या करना है आपको ट्रांसफर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो सबसे वॉलेट आपको चूज़ कर लेना है कि किस वॉलेट में, देखो यहाँ पे सारे सारे वॉलेट इनएक्टिव है, आपको केवल स्पॉट वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करने की अनुमति है फंडिंग से, ठीक है दोस्तों। अब कौन सा कॉइन आपने परचेस किया था, तो USDT अक्सर अगर अपन USDT करते हैं
तो मैक्स आपका कितना कॉइन आपका जो भी आपने परचेस किया था आपका अवेलेबल अवेलेबल बैलेंस में आपको शो हो जाएगा वहाँ पे। तो मैक्स पे आप क्लिक करके उसको यहाँ से कंफर्म ट्रांसफर करके आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हो। आप यहाँ से जैसे ट्रांसफर करोगे उस स्पॉट वॉलेट के अंदर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक, रिप्लेस कर लेना इसको नहीं आया हो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्पॉट वॉलेट में। जैसे आता है तो आपको क्या करना है, ट्रांसफर के ऊपर आपको फिर से क्लिक करना है। अब यहाँ से स्पॉट वॉलेट में आपको पैसा पड़ा है, फंडिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको कौन से फंड में आपको पैसा भेजना है, कौन से वॉलेट में आपको पैसा भेजना है, ऑटोमेटिक यहाँ से अपन सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कॉइन एम फ्यूचर हो गया, यूएसडी एम फ्यूचर हो गया, ये फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए हो गया। कौन सा कॉइन आपके पास है, यूएसडीटी अपने पास है, ठीक है दोस्तों, ये ले लिया। मैक्स पर क्लिक किया, सारा का सारा भेजो या फिर कुछ भेजना चाहते हो कुछ यहाँ पर डायल कर लो ये इस प्रकार से। तो ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे सीधा ही पैसा कहाँ जाएगा, ऑटोमेटिक फ्यूचर के अंदर आपका पैसा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, आपके वॉलेट यूएसडीटी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अपन पैसों को वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फंडिंग का काम ये होता है कि अपन वहाँ से पैसों को विड्रॉ कर लगा सकते हैं सीधा ही, यहाँ पे क्लिक किया विड्रॉ पे क्लिक किया तो यहाँ से अपन क्रिप्टो का सीधा ट्रेड बना लेंगे कि मतलब कैश करेंगे, ये कैश का पेमेंट हो गया सारा और ये क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेमेंट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ से अपन पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं और कुछ नहीं, विड्रॉ के लिए मैं आपको अच्छे से बता दूंगा और ओके दोस्तों। तो अपन सबसे पहले अपन चलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग की ओर और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अर्न, ये वाला ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा अर्न वाला, तो उसके अंदर आपको कैसे इनकम होती है। तो ये सारा बेसिक नॉलेज था मैंने आपको बता दिया है। अब मार्केट के बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं आपको, मतलब आपको बाइनेंस से पैसे कमाने के पूरे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ तक आगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, आपके छोटे से सब्सक्राइबर से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए। मैं एक घंटे का सेशन ले रहा हूँ, एक घंटे के लिए बैठा हूँ फ़ोन लेके और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये क्योंकि मुझे सब कुछ पता है लेकिन आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको यूट्यूब के अंदर अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ताकि आप एक ही वीडियो देखो और सारा कुछ एक ही वीडियो में समझ जाओ। इस वजह से तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। दोस्तों अब चलते हैं अपन फ्यूचर ट्रेडिंग की ओर। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग वाले सेक्शन के मैन। तो दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर भी आपको दो ऑप्शन मिल गए, और ऑप्शन ट्रेडिंग और लीडर बोर्ड जो मैं आपको बता दिया था कि यानी कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, यूएसडी एम फ्यूचर में आप कर सकते हो और कॉइन एम फ्यूचर में भी आप अपने ट्रेडिंग कर सकते हो। तो तीन ऑप्शन आपके सामने, ये वाला और ये वाला, ये नया आया था अभी, ठीक है दोस्तों। इसमें कॉल और पुट जैसे अपन स्टॉक मार्केट में करते हैं वैसा ही ऑप्शन इसमें आ गया है कॉल और पुट का। तो सारा सिस्टम यही वो का ही है और ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसमें। अगर आप कॉल पुट अच्छे से जानते हो तो बाइनेंस के अंदर भी आप अच्छे से इनको समझ जाओगे। अगर आप नहीं, अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो ना तो ऑटोमेटिक आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो अपन आ जाते हैं यूएसडी एम फ्यूचर में सबसे पहले, ये सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉइन में आप, मैंने बताया जाता है कि अगर आपके पास कोई कॉइन है, जैसे मेरे पास ये टेरा लूना कॉइन है, तो उसको मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करके यहाँ से ट्रेडिंग कर सकता हूँ इस हिसाब से। तो यूएसडी अगर आपके पास है, डॉलर अगर आपके पास है, तो डॉलर से भी आप यहाँ पे इनकम कर सकते हो, अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो। कैसे ट्रेडिंग करनी है तो देखो, सबसे पहले मैं आपको इसके ऑप्शन बताता हूँ कि ऑप्शन क्या क्या है इसके। सबसे पहले आता है क्रॉस और आइसोलेटेड। देखो दोस्तों, यह आ गया क्रॉस और यह आ गया आइसोलेटेड, ठीक है दोस्तों। तो अब ये दोनों मोड का मतलब क्या है? क्रॉस मोड का मतलब ये होता है कि आपके फ्यूचर ट्रेडिंग वॉलेट में जितना भी पैसा है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना इसको, कि जितना भी पैसा है वो सारा का सारा अगर आपने क्या किया, अड्डा यूएसडी से आपने ट्रेडिंग ली और आपका लॉस हो रहा है, आपने क्या किया, मैंने देखो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। मैं नीचे लेता हूँ उसको, ऑप्शन पोजिशन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मेरे यहाँ पे 37.44 यूएसडी टोटल है, मैंने इसके अंदर लगा दिए, ठीक है दोस्तों, और मैंने 20 का ले लिया, ये क्रॉस 20 में आपको बता दूंगा ये क्या है। जो तो 37.44 यूएसडी जैसे यहाँ पे मेरा माइनस हो रहा है अभी 11.01 डॉलर भी मेरा माइनस हो रहा है क्योंकि मार्केट डाउन चला गया अभी। तो अगर मार्केट और ज़्यादा डाउन जाता और 37.44 डॉलर भी यहाँ से मेरे माइनस हो जाते हैं तो उसके बाद में क्या होगा, क्रॉस के ऊपर आपके जो भी अवेलेबल बैलेंस रहेगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपका अवेलेबल बैलेंस रहेगा वहाँ से पैसा कटना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपका पूरा वॉलेट का बैलेंस ही जीरो हो जाएगा अगर आपने क्रॉस मोड चूज़ कर लिया। तो अगर आपने आइसोलेटेड मोड चूज़ किया, ठीक है दोस्तों,
तो उसमें क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपने जो 37.40 पैसे लगाए हैं, डॉलर लगाए हैं यहाँ पे, और आपका मार्केट डाउन जा रहा है और आपने पैसा लगा दिया इसमें, तो आपका पैसा उतना ही डूबेगा 37.43, ठीक है दोस्तों, जितना आपने लगाया है तो वो पैसा इसमें डूबेगा। क्लियर, अब ये बात होगी क्लियर। तो क्रॉस ओवर इसका मतलब ये हो गया। अब है लीवरेज। लीवरेज का मतलब ये होता है अगर आपके वॉलेट में $100 है माना कि, ठीक है दोस्तों, और आप लीवरेज ले रहे हो 20x का। अपन अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अपन यहाँ से लीवरेज ले सकते हैं टोटल 75x तक की, यानी कि ये $100 के सीधे ही 75 गुना पैसा अपना वो उसमें लगेगा। लेकिन इतनी ज़्यादा लीवरेज अपने को नहीं लेनी बिल्कुल भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा लीवरेज अगर आप लेते हो थोड़ा सा भी मार्केट में अगर डाउन जाता है तो आपका सारा सारा पैसा इसमें लॉस हो जाएगा। 20x की लीवरेज ठीक है, और या आप मैं बोलता हूँ आपको अगर शुरू शुरू में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 10x से ज़्यादा लीवरेज बिल्कुल भी मत लो, ठीक है दोस्तों। लीवरेज लेने का फ़ायदा होता है वैसे, लेकिन 10x से ज़्यादा आप लीवरेज मत लो। धीरे धीरे अगर आपको पता चल जाएगा कि हाँ लीवरेज लेने से अपने को प्रॉफिट मिल रहा है, अपन मार्केट को समझने लगे हैं धीरे धीरे, तो उसके बाद में आप लीवरेज बढ़ा सकते हो अपनी, और वहाँ से अपन अच्छी ट्रेडिंग करके बहुत ही ज़्यादा डॉलर में पैसे कमा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो लीवरेज का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास $100 है और आपने लिया 10x का लेवरेज, तो 100 के सीधे ही $1000 आपके इसमें ट्रेडिंग के अंदर लगने वाले हैं, यानी कि जो $900 है वो लगाएगा आपका बाइनेंस की ओर से आपके $900 लगने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और आपके जो मेन जो आपका पैसा जा रहा है वो जा रहा है मात्र $100 का, यानी कि आपने कितना पैसा लगाया $100 लगाया और बाइनेंस लगा दिया टोटल 900, टोटल हो गए 1000, यानी कि $1000 आपने सीधे ही लगा दिए। अगर आप 20x का लेते हो तो आपका डायरेक्ट पैसा कितना लगेगा, दो हज़ार एक्स, यानी कि $2000 आपके सीधे लगेंगे, $1900 बाइनेंस लगाएगा। इस तरीके से आपका पैसा इसमें लगता है लीवरेज में। अब यहाँ पे क्या होता है पोजीशन में, ये आ रहा है आरओआई। आरओआई का मतलब हो गया आपका फंडिंग, आपका फंड का पैसा, यहाँ पे मेन आपका फंड का माइनस बताता है कि जैसे मेरा $11.18 यहाँ पर माइनस हो रहा था, मेरा 29-30% हो गया माइनस यहाँ पर टोटल, ठीक है दोस्तों। और रिस्क वगैरह कुछ नहीं, क्रॉस में ये जो डंडे आ रहे हैं वो ग्रीन डंडे रेड डंडे हो जाते हैं ऑटोमेटिक, तो आपकी रिस्क को शो करते हैं। ये मेरी मार्केट की प्राइस हो गई, इस मार्केट की प्राइस में मैंने इसको परचेस किया था, और मार्केट प्राइस अभी प्रेजेंट टाइम में मार्केट आ रही है 42160 है, और मैंने किया था इसको परचेस 42790। मैंने मार्केट को ऊपर जाने के लिए मैंने बाई किया था, ऊपर जाने के लॉन्ग के लिए, यानी कि लॉन्ग, और इसमें होता है लॉन्ग होता है एक होता है शॉर्ट, यहाँ पे सेल ये होता है शॉर्ट, इसको बोलते हैं शॉर्ट, और ये भाई इसको बोलते हैं लॉन्ग, ठीक है दोस्तों। मैंने इसको किया था लॉन्ग के लिए। लॉन्ग में क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो अपने को पैसा मिलेगा, सेल में क्या होता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो अपने को पैसा मिलेगा, यानी कि मार्केट किधर भी जाए, मार्केट उतरे या चढ़े, पैसा अपने को मिलने वाला है, पैसा अपना ही है, इसमें ऐसा होता है। तो ये होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। तो इसलिए तो बोलते हैं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या होते हैं, चाहे मार्केट उतरे चाहे मार्केट ऊपर जाए, दोनों ही स्थिति में उनका पैसा कायम रहता है, वो पैसा कमा लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पैसा कमाते हैं। मैं बोलता हूँ कि ये क्रिप्टो मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, मतलब यहाँ पर पैसा बिखरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा पैसा है यहाँ पर, लेकिन उनको समेटने वाला चाहिए। अब वो समेटने की कला अगर आप में आ गई तो बस वही है आपकी बहुत ज़्यादा इनकम करने का राज, और ये बाइनेंस के ऊपर हो जाता है अच्छे से। या फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो 5 पैसा या वजीर मतलब क्या बोलते हैं ग्रो हो गया, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं उसके अंदर भी, ठीक है दोस्तों। जोरोदा हो गया, तो बहुत सारे वो भी, उनके लिए अपन अलग से वीडियो बनाएंगे कभी। अभी अपन बाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो बाइनेंस के ऊपर अच्छे से बताता हूँ मैं आपको। तो ये चीज़ आपको सारी समझ में आ गई। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ से पोजिशन ओपन होने के बाद में अपन एडजस्ट लीवरेज, यहाँ से अपन लीवरेज को कम नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है दोस्तों। तो शुरू में आप जो लीवरेज लेते हो उतनी ही लीवरेज लेना, ज़्यादा मैं आपको बोल रहा हूँ 10x से ज़्यादा बिल्कुल मत लेना, और आप अगर आपको लगे कि ज़्यादा ही रिस्क है तो 5x या 4x या 2x, इससे ज़्यादा लीवरेज आपको लेनी ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया लीवरेज का काम, इसको कट कर देते पहले। तो यहाँ से अब आपको मेन जो चीज़ करनी है, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो आपको सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पर आना आपको, और यहाँ से आपको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, यानी कि जो आपने या परसेंटेज के ऊपर भी लगा सकते हो आप आरओआई के हिसाब से। जैसे मेरा अभी 30% हो गया, तो कितनी डॉलर होगी मेरी, $11.23 होगी, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 50% का, यानी कि उतनी डॉलर आप लॉस कर सको उतनी डॉलर का आप स्टॉप लॉस लगा दो। मैं बोलता हूँ जीरो का लगाओ सीधा ही, काम खत्म, कम के लिए कर दो, जीरो का लग गया स्टॉप लॉस, यानी कि इससे नीचे, यानी कि अगर मार्केट
जो आपने परचेस की उससे नीचे जाता है तो ऑटोमेटिकली सेल आउट हो जाएगा और आपका 1% का लॉस नहीं होगा। यहाँ पे लगा दो 1% का, 2% का, 10% का, 100% का, आप कितना भी लगा सकते हो। यहाँ पे अगर हमने 20x लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्केट जब भी चल रही है 42, और जैसे ये 42 से सीधी 53 चली जाएगी ना मार्केट ऑटोमेटिकली, यानी 52 सॉरी, यानी कि मात्र 10 पैसा बढ़ेगी मार्केट। ठीक है दोस्त, सिंपल यहाँ पे देखेंगे तो 10 पैसा मानेंगे अपन, 10% मार्केट बढ़ेगी तो आपके सीधे 100% पैसा बढ़ जाएगा। यानी अगर आपने $100 लगाए तो आप उसका सीधे $200 पैसा हो जाएगा, $200 हो जाएगा, $300 पैसा हो जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ेगा पैसा, इसमें ऐसा होता है। तो अगर आपने, अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, मात्र 2% 5% ले लो, $1.90 हो गए, यहाँ पे 10% ले लिया आपने तो ये $3.81 हो गए। ये वैसे आप मार्केट में धीरे धीरे आओगे ना तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ से आप लगा सकते हो, ये लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने पैसा, मैं बोलता हूँ यहाँ पे 0% 10% लगा लो, $3 कोई बड़ी बात नहीं, इतना आप लॉस सहन कर सकते हैं। तो मार्केट के नीचे जाता है तो यहाँ से अपन स्टॉप ले लें। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ से अगर आपको मिल रहा है प्रॉफिट वगैरह सबको अच्छे से मिल गया है तो आप सीधे क्लोज पोजिशन के ऊपर आप क्लिक करोगे, आपके क्लिक करते ही यहाँ से क्लोज पोजिशन हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपका पैसा ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में जमा हो जाएगा एंड टू एंड। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर। अगर आपका कुछ भी डाउट इसमें रह गया है कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे क्या करें तो आप फिर से कमेंट करें, मैं आपके लिए स्पेशल केवल फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए वीडियो बनाऊंगा, केवल फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए स्पेशल तौर से। ठीक दोस्तों, तो अपना और अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, आपका थोड़ा सा प्यार प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ही लिया तो आपको अच्छा लगा है ना कुछ, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लो चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लो। ठीक दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इसका मार्केट वगैरह देखना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पर आपको सारा मार्केट वगैरह सब मिल जाएगा। तो ये दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर चलती है, 1 घंटे की यहाँ पर चल जाएगी, 4 आवर्स की यहाँ पर चल जाएगी, 1 डे की यहाँ पर चल जाएगी, इसको आप सिकोड भी सकते हो इस प्रकार से। मार्केट के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो अच्छे से। ये RSI है, RSI भी 31 पे चल रही है, ये J इसको बोलते हैं, जो भी है, MACD, ये जो भी आप मार्केट की स्टडी वगैरह होती है आपको स्टडी करना पड़ेगा। बहुत मतलब मार्केट को समझना बहुत ही बड़ी चीज़ है। वैसे मैं आप भी बोलूँ तो मार्केट बिल्कुल बॉटम पे है, मार्केट का अभी डाउन ट्रेंड के अंदर बॉटम लगने वाला है, बॉटम लग गया या तो अब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा नवंबर से अक्टूबर से। ठीक है दोस्तों, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो अभी बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपने पास कि यहाँ से अपन लोन के लिए बाई करें, और लोन के लिए बाई करें और ज़्यादा लिवरेज नहीं रखेंगे अगर तो अपना पैसा डूबेगा नहीं, और धीरे धीरे 1-2 महीने बाद में अपना पैसा क्या होगा, सीधे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 गुना 5 गुना 6 गुना 10 गुना तक। कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे पैसों कमाने की, कोई लिमिट नहीं है, आप अपने पैसों को 1000 गुना भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक दोस्तों, 1 महीने में आप 1 करोड़पति बन सकते हो, तो ये केवल हो सकता है फ्यूचर ट्रेडिंग से। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया सारा काम। इसमें रिस्क ये होता है कि अगर आप मार्केट थोड़ा ज़्यादा नीचे उतर गया, अगर आपने ज़्यादा लीवरेज ले ली और मार्केट नीचे चला गया तो आपका सारा पैसा खा जाएगा, ये सबसे बड़ा इसमें रिस्क है, और कुछ भी इसमें रिस्क वगैरह नहीं है। तो ये हो गया फ्यूचर ट्रेडिंग की बात, तो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात अपन बाद में करेंगे। अब आते अपन अर्निंग के ऊपर, यानी कि अगर आपको ट्रेडिंग भी नहीं करनी है, ट्रेडिंग में देखो स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है, सिंपल आपको ट्रेडिंग करनी होती है, आपने उस मार्केट में पैसा डाल दिया, जैसे डॉलर की कीमत भी चल रही है $85। ठीक है दोस्तों, आपने उसमें अपना पैसा डाल दिया, आपने उसके लॉट परचेस कर लिए, अब क्या हुआ, डॉलर की कीमत हो गई 90 हो गई, तो आपको क्या मिलेगा, $1 का आपको ₹90 मिलेगा आपको, तो ₹5 आपके सीधे 1 लॉट के ऊपर बढ़ गए। अगर आपने 100 लॉट परचेस किए तो आपके सीधे 500 रुपये आपके बढ़ गए। तो इस प्रकार से मार्केट अंदर होता है। वैसे मार्केट बहुत ज़्यादा पुलअप होता है, डाउन होता है मार्केट, तो इथेरियम हो गया जैसे अभी $1315 पे चल रहा है, सीधा ये $2000 पे चला जाएगा, $3000 पे चला जाएगा, $10000 पे चला जाएगा, तो ये इससे प्रॉफिट मिलता है इसमें। जैसे BTC भी 16 लाख पे चल रहा है, अगर इंडियन करेंसी में देखें तो 16 लाख से सीधे 55 लाख पे चला जाएगा, 1 करोड़ पे चला जाएगा सीधे ही, तो वहाँ से आपका पैसा सिंपल स्टेप में 1-2 गुना हो जाएगा। लेकिन ये लोन के लिए आपको थोड़ा इसमें वेट करना पड़ेगा, 1-2 साल के लिए वेट करना पड़ सकता है इसमें, लेकिन आपको मार्केट को देखते रहना है हर सप्ताह में कि मार्केट कहाँ चल रहा है अभी।
तो दोस्तों तो ये स्ट्रेटजी हो गई कि आप सिंपल स्टेप मार्केट में ट्रेडिंग इसको नहीं बोल सकते, पर बाई करके लॉन्ग करके इसको छोड़ देंगे, बार बार इसको नहीं देखेंगे, पर यानी एक बार हमने पैसा डाल के इसमें छोड़ दिया है लंबे समय के लिए। अब आ गया अर्न के ऊपर, यानी कि अगर आपको क्या करना है, ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए अपने पैसों को, नहीं तो ट्रेडिंग करनी है, नहीं कुछ करना है, अपन ने कोई सिंपल स्टेप में ब्याज चाहिए, केवल पैसे के ऊपर ब्याज चाहिए। अपन क्या करते हैं, सिंपल लोगों को ब्याज में पैसा देता है, ब्याज पैसा डूबने की संभावना ज़्यादा इसमें रहती है। अब आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के अंदर होने वाला है। ये जो अर्न वाला ऑप्शन है बहुत ही अच्छा है ठीक दोस्तों, तो अब मैं इसको करता हूँ कवर अच्छे से, ध्यान से सुनना दोस्तों। तो जिसको अर्न वाला ऑप्शन नहीं समझना आप वीडियो को स्किप कर सकते हो यहाँ से, और जिसको अच्छे से समझना है यानी कि आप बेटे बेटे ब्याज कमाना है पैसे के ऊपर, तो ये वीडियो आपके लिए है, ये आपको यहाँ से देखना शुरू कर देना है फटाफट से ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अर्न से आप क्या क्या कर सकते हो। सिंपल स्टेप में देखें तो अर्न से आपको ब्याज मिलता है, ये एक बैंक से भी ज़्यादा ब्याज देता है। सिंपल स्टेप में देखें तो अपन लोगों को भी जो ब्याज पे पैसे देता है 1 रुपये सैकड़ा 2 रुपये सैकड़ा, तो यहाँ से अपन आसानी से 2 रुपये सैकड़ा तक का ब्याज कमा सकते हैं पर मंथ तो दोस्तों। वो कैसे कमाना मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अर्न से देखो सबसे पहले क्या होता है, ऑटो इन्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर, दूसरा आ रहा है स्टेकिंग का, और तीसरा आ रहा है इसमें सेविंग का ठीक दोस्तों, और चौथा आ रहा है इसमें लिक्विडिटी फार्मिंग का, और पाँचवा आ रहा है इसमें ड्यूर इन्वेस्टमेंट का। यानी कि अब देखो दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन है, सबसे पहले अपन ऑटो इन्वेस्ट का ऑप्शन को बाद में देखेंगे, ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन सेविंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं कि आपको मात्र पैसे को सेव करने पर कितना पैसा मिल रहा है ठीक दोस्तों। यहाँ पे APR लिखा रहा है, लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब होता है कि ये है एनुअल पर रेट है ठीक दोस्तों, यानी कि 12 महीनों में कितना पैसा आपका बढ़ेगा वो रेट यहाँ पे आ रही है। तो सिंपली ये हो गया। अब नीचे अपन थोड़ा चलते हैं और आपको थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल मिल जाए, जैसे ये ए एक्सेस है ठीक दोस्तों। तो यहाँ पे ए एक्सेस के ऊपर मात्र सेविंग करने पर, यह एक तरह की फ्लेक्सिबल सेविंग है, आप अपने पैसों को कभी भी निकाल सकते हो, जितना ब्याज बनेगा आपको पैसा का उतना ब्याज आपको मिल जाएगा। तो एक साल का यहाँ पे आपको मिल रहा है 20% रिटर्न, यानी कि अगर आपने 1,00,000 रुपया इसमें डाला है तो आपका पैसा एक साल बाद में 1,20,000 रुपये हो जाएगा ठीक दोस्तों। तो पहला हो गया ये फ्लेक्सिबल हो गया, यानी कि 20% आपको यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे आप 1,00,000 के 1,20,000 रुपये यहाँ से आप कर सकते हो। और नीचे आपको बहुत सारी कोइन आपको मिल जाएंगे जो ज़्यादा इंटरेस्ट भी देते हैं और कम भी देते हैं, जैसे इथेरियम हो गया तो 6% ये दे रहा है, ETH ये इसका वॉलेट है एक तरह का, दूसरा कोइन है इसका। और नीचे आप देखोगे बहुत सारे कोइन यहाँ पे बहुत सारे ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, अपन इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, सिंपली आपको इसको अगर आपको लेना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सब्सक्राइब के ऊपर आपको क्लिक करते हो तो पहले मैंने आपको बताया था ना कि आपका जो फंडिंग बैलेंस है या फिर स्पॉट बैलेंस है, उस बैलेंस को आपको सबसे पहले अर्न वाले सेक्शन में यानी अर्न वाले वॉलेट में आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ओके। वो ट्रांसफ़र करने के बाद में यहाँ से देखो एक्सेस आ रहा है, तो ई एक्सेस वाला आपको पहले स्पॉट वॉलेट से आपको एक्सेस के अंदर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, एक्सेस जो भी कॉइन है इसके अंदर आपको सारा का सारा पैसा ट्रांसफ़र करना है, यानी कि कन्वर्ट करना है USDT को एक्सेस के अंदर, और एक्सेस के अंदर कन्वर्ट करने के बाद में आपको उस सपोर्ट वॉलेट से आपको अर्न वॉलेट में अपना पैसा ट्रांसफ़र कर लेना है ओके। उसके बाद में आपको यहाँ पे आना है, सब्सक्राइब के ऊपर आपको क्लिक करना है, मिक्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे जितना अमाउंट आप इसमें एंटर करना चाहते हो उतना अमाउंट आप इसमें एंटर भी कर सकते हो, जितना आपका अवेलेबल रहेगा वो यहाँ पे बता देगा ठीक दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ लिमिट्स वगैरह होती है, तो मिनिमम लिमिट इसमें 0.0 एक्सेस की है, और जो मैक्सिमम लिमिट है इसकी यहाँ पे 10 करोड़ है ठीक, 1 करोड़ है ठीक है दोस्तों। तो इससे भी ज़्यादा आप इसको काउंट कर लेना जो भी है, तो बहुत ज़्यादा वैसे लिमिट तो काफ़ी है इसमें, बहुत ज़्यादा लिमिट है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। और आई एग्री पर आपको क्लिक करना है, और कंफर्म भी आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करते हो आपका ऑटोमेटिक सब्सक्राइब हो जाएगा, यानी कि आपको पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, उस पैसे के ऊपर अपना ब्याज ले सकते हो। तो सिंपली ये चीज़ होगी। अब मैं आपको कैलकुलेटर खोल के बताता हूँ कि अगर आपने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया है ओके, और 1,00,000 के ऊपर आपको मिल रहा है 20% इंटरेस्ट, तो एक महीने का आपका पैसा कितना बढ़ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं अपना खोलता हूँ कैलकुलेटर यहाँ पे।
सिंपली कहाँ गया कैलकुलेटर अपना, इसमें नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अपन सीधा ही बाहर से खोल लेते हैं एक बार इसको। तो ये रहा कैलकुलेटर। तो यहाँ पे अपने क्या क्या 20% अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो मिल रहा है 365 दिनों में। ओके, तो अपने को क्या करना है, 20 में 365 का भाग लगा देना है। तो ये अपना आ गया एक दिन का, तो एक महीने का कितना हो गया, 1.64। ठीक है दोस्तों, 1.64% अपना पैसा एक महीने में बढ़ जाएगा, यानी कि 1 लाख का आपको एक महीने में मिल रहा है 1.64। ओके, परसेंट, यानी कि 1.64% कितना हो गया 1 लाख का। तो 1 लाख का अपन सबसे पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1% हो गया 1000 रुपये, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1.64 से, 1.64 से, तो आपका एक महीने का कितना पैसा आया, 1640 रुपये आपका एक महीने का आया। ठीक है दोस्तों, हर महीने आपको 1640 रुपये करके आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं हर महीने। आप इनको ऑटो ऑटो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि ऑटो इन्वेस्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे अपन सब्सक्राइब करेंगे उस टाइम, ये फ्लेक्सिबल है, तो आता रहेगा महीना। यानी आपने कितना डाला, 1 लाख रुपये डाला, अब आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 1640 रुपये पर महीने आपको मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, पर महीने आपको 1640 रुपये मिल रहा है, सॉरी फॉर देट, मेरी बेटी थोड़ी लो हो रही इसमें। तो अपन इसमें भाग लगाए 30 का, तो अपने को 54 रुपये डेली मिल रहा है, 1 लाख का 54 रुपये अपने को डेली मिल रहा है यहाँ पे। ओके, 50 मान लो या 55 मान लो इसको, ठीक है दोस्तों, 50-55 रुपये डेली अपने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरीके से होता है, इसमें फ्लेक्सिबल सेविंग्स हो गई है, इससे ऊपर भी, ऊपर की भी सेविंग्स है इसमें, मैं आपको बताऊँगा अपनी, वो है लॉक्ड। तो सेविंग के ऊपर होता है एक लॉक का ऑप्शन, तो ये 120 दिनों के लिए लॉक हो जाता है, या 100, ये बहुत सारे लॉक के ऑप्शन इसमें। ये देखो, अब ए एक्सेस में अगर अपन 7 दिनों के लिए इसको लॉक कर दें तो 25% रिटर्न मिलेगा, वहाँ पे अपने को 20 मिला था, अब यहाँ पे 25% रिटर्न हो गया, तो अपना पैसा क्या हो गया। अब अपन क्या करेंगे, हर 7-7 दिन में पैसा निकाल सकते हैं, 7 दिन का मतलब हो गया, हर 7-7 दिन में अपना पैसा यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। और सबसे जो बड़ी चीज़ है वो 15 डेज़ की है, 15 दिनों के लिए पैसों को लॉक करो, 15 दिनों के लिए पैसों को भूल जाओ, 15 दिन के लिए अपना पैसा, यानी कि FD का सिस्टम हो गया, एक तरह का FD RD का सिस्टम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 70% मिल रहा है, 1 लाख का 70%, 1,70,000 रुपये। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या है इसमें, इनकी पैसा डेली निकलेगा, हर 15 दिन में आपको पैसा निकलेगा, महीने में 2 बार पैसा निकल जाएगा आराम से, जो आपको ब्याज मिलेगा वो 2 बार अपन यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। और ऑटो इन्वेस्ट, यहाँ से सीधा ही अपना पैसा क्या हो जाएगा, ऑटो इन्वेस्ट हो जाएगा, वापस 15 दिन के वाले सेक्शन में लग जाएगा पैसा ऑटोमेटिकली। तो ये ऑटो इन्वेस्ट वाला सिस्टम यहाँ पे काम आएगा अपने। तो पहले अपन इसको बेच लेते हैं, चलो ठीक है, ये आ गया अपने समझ में। तो ओके, ये हो गया, अब इसको चेक करते हैं। ये देखो, तो यहाँ से अपन सीधा ही क्रिप्टो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं अपने यहाँ से बैलेंस वगैरह को। तो ये मैक्स जो भी अपने पास लॉट्स वगैरह है, इसके लॉट मिलेंगे अपने को 5 लाख लॉट अपन यहाँ पे मैक्सिमम ले सकते हैं, और मिनिमम यहाँ पे 1 लॉट की साइज है यहाँ पे। ठीक है, ओके दोस्तों, तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ इसमें, ये यहाँ पे ऑटो रिवेन्यू का ऑप्शन को अपन ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से हर 15 दिन में अपना पैसा वापस ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट हो जाएगा यहाँ से, और अपना ब्याज में मिल रहा है वो मिलता रहेगा कंटिन्यू, यानी 1 साल तक अपन अपने पैसों को 70% वृद्धि करवा सकते हैं, यानी 1 लाख का 1,70,000 रुपये अपन आराम से यहाँ से कर सकते हैं। आप क्या करोगे, सीधा ही ऑटो रेवेन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना, फिर अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हो 1 साल के लिए, अगर अपने पैसों को भूलते हो, तो मैं आपको बोल रहा हूँ 1,70,000 रुपये आपके यहाँ से 1 लाख के हो जाएंगे। उसके बाद में जो आपको 70% जो आपको रिटर्न मिल रहा है 1 साल का, उसके हिसाब से हर महीने का आपको रिटर्न मिलेगा, तो हर महीने के हिसाब से अगर आपको देखे तो वो पैसा वापस री इन्वेस्ट होगा, तो उसका भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। इस प्रकार से अपन 1 साल में ही सीधा पैसा अपन डबल कर लेंगे, यानी 1 साल में अपना पैसा क्या हो जाएगा, सीधा ही डबल हो जाएगा। तो सिंपली मैथमेटिक अपन कैलकुलेशन करेंगे इसकी। ठीक है दोस्तों, 70% रिटर्न मिल रहा है अपने को 1 साल का, भाजे 365 करते हैं अपन सबसे पहले, तो 0.19 आ रहा है, एक महीने कितना आएगा 5% आ रहा है टोटल, एक महीने का कितना आ रहा है 5% रिटर्न अपने को एक महीने का मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 1 लाख का अपन 1000 हो गया, तो 1000 से अपन इसे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5,753 रुपये आपने वापस क्या किया, री इन्वेस्ट किया। 1 लाख को तो आप री इन्वेस्ट कर ही रहे हो, लेकिन साथ में आप 5,753 रुपये को भी आप री इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसका प्रॉफिट अपने को अलग से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रॉफिट कितना मिलेगा, अपन डिवाइड कर देते 57 से 1% आ गया इसका, 5% आ रहा था, यानी 287 रुपये आपको आप इस बार अलग से मिलने वाले हैं। अब सेकंड महीने में आपको क्या होगा, डबल पैसा मिलेगा वापस, 287 रुपये और डबल मिलेंगे आपको,
तो 283 का और डबल हो गया। इस प्रकार से आपका जो पैसा है ना वो क्या होगा, एक साल में डबल हो जाएगा, सीधा ही डबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया ब्याज का धंधा। अगर आप ब्याज का धंधा करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे पैसा खाने वाला कोई नहीं है, यहाँ आप जब चाहो पैसा निकाल सकते हो। लेकिन इसमें लॉगिन जो पीरियड है इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा अपने को रिटर्न मिलता है, जैसे 7 दिन का हो गया, 15 दिन का हो गया, हर 15 दिन में अपना पैसों को मल्टीप्लाई करते रहो, यानी कि एक तरह से लगा कि 15 हज़ार तक अपन पैसों को निकाल सकते, निकाल नहीं सकते बीच में से, लेकिन फ्लेक्सिबल में क्या होता है अपन कैसे कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, यानी कि एक तरह का बैंक है अपना, कभी भी पैसा निकालो विड्रॉ करो निकालो विड्रॉ करो, डेली बेसिस पे यहाँ पे अपने को रिटर्न मिलता है। यहाँ पे मिलता है 15 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर अंतराल में या 7 दिनों के अंतराल में। तो ये हो गया इसके हिसाब से। ठीक है दोस्तों, नीचे आप देखोगे तो ये 50% केक के अंदर है, बहुत सारे दोस्तों बहुत सारे नीचे बहुत सारे हैं जिसमें आपको रिटर्न, मैं बोल रहा हूँ 100% 101% रिटर्न भी आपको देखने को मिलेगा अभी नीचे। तो यहाँ पे बहुत सारे कौन से आपको ढूंढना अच्छे से, और उनमें क्या होता है 100% वाला भी आपके यहाँ पे नए नए आते रहते हैं, और ये 100% गारंटेड होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अपने को इतना रिटर्न नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये 100% गारंटेड है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया अपना सेविंग्स का। अब आते हैं अपन स्टेकिंग के। अब इनके ऊपर कैसे यह इन्वेस्ट करना है मैंने आपको बता दिया है कि आपको सब्सक्राइब करना है, फंडिंग में पैसा डालना है पहले अर्न वाले ऑप्शन में, उसके बाद में आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको कहाँ से होगा और मैं आपको इसमें बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वही मैंने आपको बताया कि वॉलेट है, वॉलेट में आप सीधा ही वहाँ पे अर्न वाले सेक्शन आप जैसे क्लिक करोगे ना, अगर आपने इसको करके सेविंग्स के अंदर एक्सेस को करके सब्सक्राइब, तो वॉलेट के अंदर आपको अर्न वाले के अंदर अर्न वॉलेट के अंदर आपको सीधे वहाँ पे पता चल जाएगा आपके पैसा कितना बड़ा है कितना नहीं बड़ा है कितना हो गया पैसा। एक चीज़ का और ध्यान रखना दोस्तों कि आपने उसमें क्या किया, 15 दिनों का अगर आपने चूज़ किया है तो उसमें क्या करना, आपको 15 दिन से पहले आपको वो पैसों को नहीं निकालना। हाँ अपन पैसों को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने 15 दिन से पहले पैसा निकाल लिया तो उसका ब्याज अपने को नहीं मिलेगा, इतनी सी बात है बस। हर 15 दिन में अपने को ब्याज मिलता है, फ्लेक्सिबल में क्या होता है डेली बेसिस के ऊपर अपने को ब्याज मिलता है, शाम को 5:30 बजे जो भी अपने को टाइम उसमें दिया जाएगा उस टाइम के ऊपर अपना ब्याज ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होकर जुड़ जाएगा अपना पैसा। लेकिन उसमें क्या होता है क्लोजिंग के अंदर लॉक्ड के अंदर कि हर 15 दिनों के अंदर 15 दिनों का जो भी ब्याज मिलेगा वो 15 दिनों के अंदर हर महीने की 15 तारीख या जो भी अपने को तारीख वहाँ पर दी जाएगी वहाँ पर अपना ब्याज वहाँ पर जुड़ता जाएगा। तो 15 दिनों में ब्याज जुड़ता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि 15 दिन से पहले पैसा नहीं निकालना है, यानी कि एक तरह का समझो तो 15 दिनों का एक दिन हो रहा है वहाँ पे, ये समझ लो आप। तो ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपन स्टेकिंग के ऊपर। तो ये भी एक तरह का ब्याज का धंधा, इसमें भी एक तरह का लॉकिंग का सिस्टम होता है। तो देखो दोस्तों, उसमें तो अपने को लॉट खरीदने पड़े थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा अपन सीधा ही कॉइन टू कॉइन यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे भी सिर्फ सिस्टम वही है लॉक का, और यहाँ पे भी हाई इंटरेस्ट मिल रहा है अपने को। तो 120 दिनों के लिए अगर अपने पैसों को 4 महीनों के लिए अगर अपने पैसों को होल्ड करते हैं तो 4 महीनों का अपने को 30% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा, एनुअल 30% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। ये जो भी इंटरेस्ट आपको दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये सारे के सारे एनुअल होते हैं, यानी कि वार्षिक होते हैं सारे के सारे, वो 4 महीने के हिसाब से अपने को कैलकुलेट करेंगे मिल जाएगा, यानी 30 में आप 4 का पकड़ कर दो उतना परसेंट आपको यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। मैं आपको करके बताता हूँ पहले, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। तो 30 में हमने भाग लगाया 4 का, 7.5% आपको रिटर्न मिल रहा है टोटल 4 महीनों में, यानी कि 1,7,500 रुपये अपने हो रहा है भाग लगाए अपन 4 महीनों का, तो 1.8% हर महीने का रिटर्न आपको मिल रहा है। अगर आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 1,875 रुपये, यानी कि सेविंग से थोड़ा ज़्यादा पैसा यहाँ पे मिलता है। सेविंग में अपने को 1,640 रुपये मिल रहा था, यहाँ पे कितना मिल रहा है 1,875 रुपये अपने को मिल रहा है 120 दिनों का, हर महीने का 1,875 रुपये करके अपने को मिल रहा है। आप यहाँ पे 1,000, 1,00,000 नहीं, आप 1,000 रुपये भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये जो कॉइन है वो वाला आप किसी भी कॉइन में डाल सकते हो पैसों को, कन्वर्ट कर सकते, बाद में वापस उनको कन्वर्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मिल रहा है अपने को 120 दिनों का 49%, यानी कि अगर अपन देखिए 8 महीने में सीधा पैसा डबल, वहाँ पे अपने लॉकड में अपने को लग रहा था 1 साल, लेकिन यहाँ पे 8 महीने में पैसा डबल हो रहा है। यहाँ पे मिल रहा है आपको 2% का ब्याज, 2% का ब्याज जो आप बोलते हैं ना 2% का ब्याज, वही है 2% का ब्याज, यहाँ पे ये मिल रहा है आपको 2% का ब्याज यहाँ पे देखो। ठीक है दोस्तों, कैसे मिल रहा है अब आपको बता दूँ कैलकुलेट करके। तो 49.8% अपने को मिल रहा है एनुअल इंटरेस्ट रेट, तो एक महीने का कितना मिलेगा, तो 49.8% हो गया एक महीने का, अपन देखिए 365 के हिसाब से तो ये हो गया, और 30 डेज तो 4.09% अपने को एक महीने का मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर अपन मल्टीप्लाई करें इसको 1,000 से यानी 1,00,000 से, तो अपने को जो हर महीने जो रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है
4,93 रुपये। ठीक है दोस्तों, 4,93 रुपये अपने को हर महीने मिले हैं यहाँ पे। और अब अपन 1,00,000 रुपये को अगर अपन 2 रुपये सैकड़ा ब्याज से देते हैं, ठीक है दोस्तों, तो सिंपली आपको पता है कि 10,000 रुपये के 400 रुपये बनते हैं। ठीक है, तो 400 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 4,000 रुपये अपने हो गए, ये हो गया 2 रुपये सैकड़ा ब्याज। 10,000 के 400 रुपये होते हैं, तो 1,00,000 के कितने हो गए, 4,000 रुपये हो गए। अपने को यहाँ पे कितने मिल गए, प्लस 93 रुपये और अपने को यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल गए। यानी कि जो आपकी 93 रुपये के जो आपका नेट रिचार्ज है वो भी ये करा के दे रहा है आपको, और आपको 2 का ब्याज दे रहा है। ये है आपका 2 का ब्याज, आराम से बैठे बैठे घर बैठे बैठाए कहीं नहीं जाना, हर 4 महीने में आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा, हर 4 महीने में आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 बार आपका पैसा आपके खाते में आएगा और आपका पैसा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसमें ब्याज का सीधा फॉर्मूला हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है और 120 दिनों में 49.8% के हिसाब से आपको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन और नीचे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे, वैसे मैं आपको क्या क्या बताऊँगा, अब यहाँ पे आप इनको देख लेना अच्छे से, स्टडी करना और अच्छे जाने माने, जैसे 16 कोई नहीं, 120 दिनों का 16.9% रिटर्न दे रहा है अपने को, एक साल का होता है सारा रिटर्न, तो वैसे अलग ही। तो इस हिसाब से कुल मिला के यहाँ से अपन ब्याज से पैसा कमा सकते हैं। जो अपने ब्याज है ना, 2% का ब्याज होता है, 2 का ब्याज होता है, 1 का ब्याज, 2 का ब्याज, आधा रुपया ब्याज, 1.5 रुपया सैकड़ा ब्याज, इस हिसाब से अपने को पैसा का यहाँ पे ब्याज मिल जाता है, और कुछ नहीं है। डेपी स्टैकिंग अंदर भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, ये सारे स्टैकिंग ऑप्शन, यानी कि इसमें लॉक होता है पैसा। और सेविंग्स और स्टैकिंग में इतना ही फर्क है कि सेविंग में फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि कभी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन लॉक इनमें क्या होता है, पैसा लॉक हो जाता है। और सेविंग के अंदर भी एक लॉक का ऑप्शन आता है, जिसमें आपको मैंने आपको बताया था, उसमें लोट खरीदने पड़ते हैं अपने को। जैसे लोट का मतलब ये हो गया कि $10 मिलके एक लोट बन रहा है, वैसे उसमें अलग अलग कॉइन का अलग अलग लोट होता है, अलग अलग कॉइन मिलके उसमें लोट बनाते हैं। तो कुल मिला के सेविंग्स में पैसा थोड़ा कम होता है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेकिंग होती है उसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, इतना सा फ़र्क है, और कुछ भी ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं होने वाला है। ओके दोस्तों, तो अब अपन बात करते हैं कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों ये सारी बातें अपनी हो गई है, अब अपन मेन बात करते हैं कि पैसा अपन इस ऐप के अंदर लाए कैसे, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑप्शन तो है नहीं कि पैसा सीधा डिपॉजिट कर दो बैंक से डायरेक्ट, या पैसा यहाँ से विड्रॉ कर लो। उसके लिए क्या है इसके अंदर, सिंपली होम सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर दो दोस्तों, तो थोड़ा मोटिवेशन हमको भी मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों कि इतने बड़े सेशन, इतना बड़ा वीडियो बनाने के लिए, इतना बड़ा सेशन करने के लिए, कि आपको हर चीज़ बताई जाए, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट बताई जाए, तो टाइम लगता है दोस्तों। हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, तो आप हमारे थोड़ा सा काम तो कर सकते हो, जिससे हमको मोटिवेशन मिल जाए, ताकि कि हम आपके लिए कोई नया वीडियो भी लाए तो भी आपके लिए कुछ हर चीज़ बेटर बना के लाए, और आपको कुछ उसमें प्रॉफिट मिले देखकर। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको बहुत सारे वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़े, एक ही वीडियो में सारा काम हो जाए, और ईमानदारी से सारा काम हो। ऐसा नहीं कि अपने को इससे अपने को कुछ मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, नहीं, आपको देखो, जो आप अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, आप इसमें ट्रेडिंग करोगे, तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा, नहीं कि मुझे प्रॉफिट होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, जो मेन बात है वो है पैसा इसके अंदर लाए कैसे, कैसे ऐसे अपन निकालेंगे बाद में। माना कि अपनी 1,00,000 रुपये हमने इसमें इन्वेस्ट किया, अपना 1,00,000 का 2,00,000 हो गया, अब मेरे को 1,00,000 रुपये निकालना है यहाँ से, वो कैसे करोगे आप। ठीक है दोस्तों, अब मेरा मूड बन गया, चलो ठीक है, मेरे को इसके बारे में सब कुछ पता चल गया है, और मैं इसके बारे में थोड़ी और रिसर्च कर लूँगा, यानी कि मैं इसको देख देख के और इसमें सब कुछ सीख जाऊँगा धीरे धीरे, तब मैं इसमें पैसा कैसे डालूँ। ओके, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर अब यहाँ पर आपको मिलने वाला है। सिंपली क्या करना है, आपको डिपॉजिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखो दोस्तों, डिपॉजिट के अगर आप जैसे क्लिक करते हो, तो आपको USDT चूज कर लेना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है चूज, नेटवर्क है, BNB नेटवर्क है, AVI चेन, बहुत सारे चेन है, इथेरियम है, पॉलीगोन है, बहुत सारे, लेकिन इससे आप ये थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्की है। रिस्की तो क्या है इसको, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है इसमें, तो अब आपको ये परचेज नहीं करना है। मैं आपको कुछ सिंपल तरीका बताता हूँ जिससे आप सीधा ही पैसा इसमें ला सकते हो, वो है P2P ट्रेडिंग, ये वाला बहुत ही धांसू है दोस्तों।
अब इसके अंदर से भी पैसा कमाना बताऊंगा मैं आपको, इसके अंदर से पैसा कैसे कमाना है। P2P से भी आप पैसे कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि बाइनेंस से आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हो। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि फ्यूचर ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाने हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको स्पॉट वॉलेट से ट्रेडिंग करके पैसे कैसे कमाने हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेविंग्स से आया या फिर स्टेकिंग करके आपको पैसे कैसे कमाने हैं। तीन चीज़ों से मैंने आपको पैसे कमाना बता दिया। अब मैं आपको चौथा बताना चाह रहा हूँ कि आपको P2P से पैसे कैसे कमा सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, और P2P क्या चीज़ है? P2P का मतलब होता है कि आप किसी पर्सन से, यानी कि कोई आदमी है, कोई लड़का है, कोई भी पर्सन है, उससे आप डॉलर खरीदोगे, या जो यहाँ पे बहुत सारे कॉइन रजिस्टर्ड है इनमें से आप कोई सा भी कॉइन यहाँ से खरीद सकते हो। ओके, और उस कॉइन को क्या करोगे, आप यहाँ से बेच भी सकते हो और ख़रीद भी सकते हो। ओके, तो अब आपको सबसे जो प्रचलित होता है वो USDT होता है। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो आपको क्या करना है, पहले बाई करना है, इस वॉलेट के अंदर पैसा लाना है, फंडिंग में पैसा लाना है। USDT अपने को फंडिंग में लानी है। कैसे लाएंगे अपन? नीचे बहुत सारे एड चल, ये क्या होते हैं, एड होते हैं, ये रजिस्टर्ड हो गया यानी कि ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे एड आपको मिल जाएंगे, ये मिल गया आपको एड। इसकी जो बाई प्राइस है वो है 86.78 INR, यानी कि 86.78 रुपये में अपने को ये एक डॉलर दे रहा है। और इसमें कुछ लिमिट भी लगाई इसने कि आप कम से कम 5,000 रुपये से लगाकर 24,000 रुपये तक के डॉलर यहाँ से आप परचेस कर सकते हो। कम से कम आपको 5,000 रुपये के डॉलर तो यहाँ पे आपको परचेस करने ही पड़ेंगे, और मैक्सिमम 24,000 के डॉलर यहाँ पे आप परचेस कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता ये 5,000 बहुत ज़्यादा है, नीचे देखो आप, ये आ गया 86.79 की रेट से दे रहा है। वो थोड़ा सस्ता दे रहा था एक पैसा, ये थोड़ा एक पैसा थोड़ा महंगा दे रहा है, लेकिन क्या कर रहा है ये 100 रुपये में दे रहा है एक डॉलर। 100 रुपये तक आप स्टार्टिंग कर दो, 100 रुपये पेमेंट करो, जितना डॉलर उसका बनेगा मैं आपको पे कर दूंगा, ऐसे होता है इसमें। ये देखो नीचे आ गया 86.80, ये 50,333 रुपये, बहुत बड़े बड़े भी मिलेंगे आपको। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करते रहना है। अभी क्या है कि डॉलर की रेट बहुत ज़्यादा हाई है, इस वजह से यहाँ पे 86 की रेट चल रही है। वैसे ये रेट ऊपर नीचे होती रहती है, वो अपने ऊपर भी निर्भर करता है कि अपन इसको बाई कर रहे हैं तो थोड़ा नीचे ऊपर नीचे देख के करो। ओके दोस्तों, अब करना कैसे है, जैसे कि अपने को, सॉरी मैं इसका वाला बता दूँ, इसमें थोड़ा ज़्यादा USDT है, तो बाई के ऊपर आपको सीधा क्लिक कर देना है। अब जैसे ही बाई के ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे अपने को पेमेंट डाल देनी है कि 5,000 रुपये, फिर कम से कम 5,000 रुपये है ना इसके पास, तो सॉरी मैक्सिमम इसका बिक गया। ओके दोस्तों, मैक्सिमम क्वांटिटी आ गया 0.86 पैसा बचा इसके पास, यानी कि इसकी डॉलर बिक गई है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप जैसे अपना एड लगाते हो ना, जैसे आप, मैं आपको, मैंने क्या कहा आपको, आपने 1,00,000 रुपये कमाए, अब आपने 1,00,000 रुपये कमाए तो उसके कुछ ना कुछ डॉलर बनेंगे, जैसे 800-900 डॉलर आपके बन गए माना कि। ठीक है दोस्तों, तो वो 800-900 डॉलर आपके जो बने हैं ना, वो 800-900 डॉलर को आपको यहाँ पे सेल करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रिएट एड करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊँगा अभी। इसमें पहले अपन इसमें बाई करना सीख लेते हैं कि पहले अपन को डॉलर कैसे लाने हैं। तो वो एड चलो ख़त्म हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 100 एड बचा है, इसके ऊपर अपन क्लिक करते हैं। तो चलो ठीक है, अपन यहाँ पे पेमेंट डाल देते हैं, 100 रुपये डाल दिया हमने। कितना क्वांटिटी मिलेगा अपने को, 1.15 USDT अपने को मिलेगा, जीरो फीस है, एक भी रुपया अपने को नहीं मिल रहा। 15 मिनट के अंदर अपना पैसा इसमें आ जाएगा। बाय विथ के ऊपर आपको क्लिक करना है। सॉरी दोस्तों, ये भी चलो रिप्लेस करते हैं उसको एक बार। और ये क्या एड, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि इसकी भी ख़त्म हो गई, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये डॉलर आते ही बिक जाते हैं। बहुत ही फास्ट काम होता है दोस्तों, बहुत फास्ट काम होता है, सुपर फास्ट काम है हर चीज़ का। चलो नीचे चलते हैं और अपन। तो दोस्तों मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए इसमें। अगर मैं वीडियो स्किप कर लूँगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके फिर वापस वीडियो शुरू कर दूँगा, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि यार, क्योंकि आप सोचोगे यार इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम कैसे आ रही है। मैं आपको एक ही बार में बता देता कि ऐसे परचेस हो गए डॉलर डायरेक्ट, तो वो तो क्या हो गया कि आपको फिर कुछ कंफ्यूजन आ जाएगा इसमें, यार कि मेरे तो ये आ रहा है, उसमें ये क्यों नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा ही होता है कि डॉलर आते हैं, हैंड बिक जाते हैं, जो जिनके एड बिक जाते हैं ना, वो क्या होता है कि उनको अपन परचेस नहीं कर सकते फिर बाद में। जैसे ये अभी 300 से 90,000 तक का है, तो शायद इसके पास कुछ हो सकता है, ये भी नहीं है। चलो छोड़ो इसको भी, नीचे चलो और बाइक देखो, करते रहो, यहाँ पे अपने को कुछ मिल सकता है। चलो 10,000 डाल देते सीधे अपन यहाँ अपने को। चलो मैक्स क्वांटिटी 960 रुपये की आ रही है, 9,960 की आ रही है।
ये अपनी जितनी क्वांटिटी है सारी की सारी बेचना चाहता है साला, 114.73 यूटिलिटी इसके पास, और सारी सारी अपनी बेचना चाहता है। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन इसका बाई करते हैं। बायो के ऊपर क्लिक करते हैं अपन सिंपली। अब जैसे बायो बायो के ऊपर क्लिक करेंगे तो कितना डॉलर अपने को मिल रहा है, 114.72 डॉलर अपने को मिल रहा है। रेट किसी का 86.82 है इसकी रेट है। और अब पेमेंट मेथड आ गए, पेमेंट मेथड के ऊपर आपको क्लिक करना, मेक पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है सिंपली। आप इसके ऊपर जैसे पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो UPI वाला सेक्शन या गूगल पे का ऑप्शन दोनों ही इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपने पैसा गूगल पे करना चाहते हो गूगल पे भी आप इनको कर सकते हो, UPI भी कर सकते हो, इनसे फ़ोन लगा के बात भी कर सकते हो कि आप ऑनलाइन हो या नहीं हो। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ लोचा होता है तो मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो ये हो गया अपन सीधा UPI के हमने क्लिक किया। अब यहाँ से क्या करना है आपको, UPI को नेम आ रहा है इनका, ये आ रहा है नाम, नेम आप इनका देख लेना एक बार, नेम को कॉपी नहीं करना है वैसे, नेम आप इनका देख लेना कि नेम क्या है इसका। UPI ID को अपने कॉपी किया। अब क्या करना है आपको, फ़ोनपे से पेमेंट करना है। अब आपको खोलना है अपना फ़ोनपे, तो सिंपली मैं अपना यहाँ पे फ़ोनपे खोलता हूँ। तो दोस्तों आपको फ़ोनपे खोलने के बाद में आपको टू कॉन्टेक्ट की पास में रहता है UPI और बैंक, आपको उस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको आना है सीधा ही UPI वाले सेक्शन के ऊपर, और आप नीचे प्लस का आइकन आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करने, क्लिक करके यहाँ पे बेनिफिशियरी UPI ID आपको डाल देनी है, जो अभी आई थी अपने पास कॉपी करके, इसको वेरीफाई करते हैं अपन। तो दोस्तों जो नाम है आप वहाँ पे आ रहा था वो नाम यहाँ पे आ गया है। सेव के ऊपर आपको क्लिक करना है, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, वापस आपको करना है क्योंकि कभी कभी नहीं होते हैं ये फ़ोन में अंदर, ऐसा होता है कभी भी नहीं होता है, तो नहीं होता कुछ यहाँ पर डाल दो, जैसे क्रिप्टो डाल दिया मैंने यहाँ पे, कोई बात नहीं क्रिप्टो डाल दिया मैंने यहाँ पे, चलो ठीक है सेव हो गया ये। ओके आप जितना अमाउंट वहाँ पे था पूरा पूरा अमाउंट यहाँ पे डालना है, 9600 क्या था वहाँ पे, अपन देख लेते हैं एक बार ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो अपने से, क्योंकि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जितना पेमेंट ये मांग रहा है उतना पेमेंट अपने को यहाँ से करना है। तो क्या हुआ, चलो ये आ रहा ऊपर, इसको कॉपी कर लो डायरेक्ट सीधा ही सारा का सारा पेमेंट ही, और यहाँ पे अपने को पेस्ट कर देना है पेमेंट को ही, ये कर लिया पेस्ट। तो अब मैक्सिमम अमाउंट, सॉरी यहाँ पे कुछ पॉइंट लग रहा था, अपन ने क्या किया जीरो को ही कॉपी कर लिया ऐसे, ठीक है। तो 9968.5, चलो इसको काट देते, पॉइंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है। 9968 रुपये है ना, 9960 रुपये, सॉरी 9960 रुपये यहाँ पे, तो 9960 रुपये कर दिया, 85 पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे, कर लिया। प्रोसेस टू पे के ऊपर आपको क्लिक करना है और अपना बैंक चूज़ करके उसको पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट करते हो तो यहाँ पे आपको आना है और ट्रांसफ़र नोटिफाई सेल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ आ जाएगा रिलीजिंग लिखा हुआ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये यहाँ पे टाइम चल रहा है, ये 13 मिनट का यहाँ पे टाइम चला, और जैसे ही 13 मिनट खत्म होते ऑटोमेटिक सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। अगर बाई चांस सक्सेसफुल लिखा हुआ नहीं आया, जैसे मैंने अभी यहाँ पे पेमेंट नहीं किया ना, तो यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ नहीं आएगा क्योंकि मैंने पेमेंट किया ही नहीं है, सेलर को पेमेंट पहुँचा ही नहीं है, इस वजह से नहीं आएगा। तो अपने को क्या करना है, अब यहाँ पे चैट के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसने वैसे खुद ही बोल रखा है कि मैं ऑनलाइन हूँ, पे फास्ट हेलो, तो यहाँ पे बोल दिया कि आर यू ऑनलाइन, मैं इसको बोल देता हूँ आर यू ऑनलाइन, ओके आर यू ऑनलाइन का मैंने मैसेज दिया। अब वो मेरे को रिप्लाई करेगा, हाँ मैं ऑनलाइन हूँ और आप मेरे को पेमेंट फास्ट करो, मैं आपको क्रिप्टो रिलीज करता हूँ। क्रिप्टो रिलीज़ करने का जो फंडा होता है वो इसके पर्सन के पास, ये एक तरह का पर्सन है, इससे अपन क्रिप्टो खरीद रहे हैं और ख़रीदने के बाद में मेरे बाइनेंस वॉलेट में उसको सेव कर लेंगे। अब देखो मैं आपको यहाँ से इनकम कैसे होती है, हमने यहाँ से परचेस की क्रिप्टो 86.82 रुपीज़ में, ओके। अब हमारे पास 86.82 रुपीज़ में हमने परचेस की, अब इसको अगर अपन बेच देते हैं वापस 87 रुपीज़ में, तो सीधा ही अपने को 0.18 पैसे का प्रॉफिट हो जाएगा पर डॉलर के ऊपर। अगर अपने को 0.18 डॉलर का पर डॉलर के ऊपर अगर प्रॉफिट होता है ना, तो 0.18 डॉलर इंटू अपने पास 114 डॉलर है, यानी कि 20 रुपये का सीधा ही प्रॉफिट हो जाएगा अपने को बाय और सेल करने पर मात्र। इस तरीके से अपने को P2P से भी इनकम यहाँ पे मिल जाती है, और बहुत सारे आएंगे आपको, क्योंकि क्रिप्टो यहाँ पे मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। बहुत जो एड लगाते हैं वो या तो काफ़ी महंगे महंगे एड लगाते हैं, या फिर कुछ अपने को जो चाहिए होता है वो एड अपने को नहीं मिलता, एड अपन जैसे करने जाते हैं वो एड ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से अपने को मुश्किल से अपने को क्रिप्टो जब मिल रही होती है तो अपन क्या करते हैं उसको, वो उस रेट में उसको परचेस करते हैं, इस वजह से अपनी रेट भी अगर हाई है तो भी बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपना माल अपने पास है, माल बिकेगा,
एक रुपया बढ़ा के बेचो, आधा रुपया बढ़ा के बेचो, ज़्यादा लालच नहीं करनी। वैसा अगर आपने ज़्यादा लालच कर दिया, 87 डाल दिया, 89 डाल दिया, तो वो अपने का नहीं बिकेगा, वो फिर बहुत कम चांस है कि वो बिक जाए, और 15 मिनट्स के अंदर आपका माल बिक जाता है। ये भी इसमें कुछ अच्छी चीज़ है। ठीक है दोस्तों, कितने मिनटों में? मात्र 15 मिनट के अंदर आपने एड लगाया, अभी 15 मिनट में आपका माल बिक जाएगा, 15 मिनट में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। जैसे मैंने अभी अपन इसको पेमेंट कर रहे थे ना फ़ोनपे किसी के माध्यम से, तो आपको भी कोई बंदा आपको पेमेंट करेगा, फिर आपको ऑटोमेटिक नोटिसमेंट आएगा कि रिलीज, यहाँ पे आएगा लिखा हुआ रिलीज योर क्रिप्टो, आपको आर यू रिसीव पेमेंट, कि आपको पेमेंट मिल गया, यस, और रिलीज क्रिप्टो, यस, बस क्या हुआ, क्रिप्टो गई सामने वाले के अकाउंट में और पेमेंट आ गया आपके अकाउंट में। तो इस प्रकार से क्रिप्टो वापस सेल होते। अब एड कैसे बनाने होते भाई? एड के तो सिंपली क्या करना है, आपको नीचे एड्स का ऑप्शन मिल रहा है, ये इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, पोस्ट एड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, या फिर प्लस का आइकन आ रहा है ऊपर, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बाई सेल, बाई करने वालों के लिए जा रहा है या फिर सेल करने वालों के लिए, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, सेल करने वाले भी होते हैं और बाई करने वाले भी होते हैं। सेल करने वालों की रेट फिक्स होती है कि मैं इतनों में इतना ही खरीदूंगा, मेरे को इतनी ज़रूरत है बस। अपने को बाई वाले पे चले जाना है, बाई वाले पे जाने के बाद में यूजीटी जो भी आपके पास है, ये बहुत सारे हैं जो जो आपके पास हैं, ये इन्हीं को आप इनको सेल कर सकते हो, क्योंकि यही अभी लिस्टेड है यहाँ पे, उससे ज़्यादा नहीं है। ओके, तो ये सारे कॉइन अपने पास है। अब किस करेंसी में करना चाहते हो? INR के अंदर, INR अपन ये अलग अलग देशों की सारी करेंसी वगैरह हो गई, तो यहाँ पे अपन INR में करेंगे, अपन सॉरी जेपे हो गया, तो INR अपन आ गया यहाँ पे। अगर आपका देश कोई दूसरा है तो वहाँ से आप कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लोटिंग मतलब यहाँ पे अपन फिक्स रेट यहाँ पे रख सकते हो, फ्लोटिंग मतलब रेट बदलती रहेगी अपनी, यहाँ पे अपन प्रॉफिट शेयर कर देंगे डॉलर के हिसाब से, यानी कि जो डॉलर की रेट चल रही है ना, जो डॉलर की रियल रेट चल रही है, उस हिसाब से अपना प्रॉफिट यहाँ से आ जाएगा कि 10% प्रॉफिट आ गया, तो 8 रुपये आ गया 86 के ऊपर। तो इस प्रकार से अपन यहाँ से प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं डॉलर के हिसाब से। और यहाँ पे सीधा ही फिक्स रख दो कि मेरे को तो इस रेट में ही डॉलर को बेचना है। यहाँ पे आ रहा है 86.56 की भी चल रही है, तो अपन क्या करेंगे 87 में इसको बेचेंगे। ओके, और अब कितनी बेचें, नेक्स्ट आपको क्लिक कर देना है। तो अपने पास क्या है कि ओके आगे बढ़ो, चलो ठीक है। अब ये बोल रहा है अपने को, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन इसकी है ये अपने को बता रहा है, ये सारी सारी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है एक बार, क्योंकि आप इसको सेल करने वाले हो। इसलिए अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में एड बनाने के बारे में स्पेशल वीडियो बनाया जाए, केवल स्पेशल वीडियो इसके बारे में बनाया जाए, तो आप कमेंट करो दोस्तों, मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बना के दूंगा आपको। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ से आप एड बना के अपना पैसा वापस रिसीव कर सकते हो। ओके दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि अब मैंने यहाँ से टू बी रिलीज्ड, यहाँ पे कुछ और अच्छा उसकी चैटिंग आ गई, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है इसमें। मैंने कहा उसको आर यू ऑनलाइन, यस पे फास्ट, आई एम हियर, पे फास्ट एंड स्क्रीन शॉट, हेलो। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी, अभी मेरे को परचेस नहीं करनी है, आई हैव बाय लेटर, चलो बाय लेटर कर देते हैं इसको। ओके बाय लेटर, ओके ऐसे पता चल जाएगी यार अपने को इस बंदे को क्रिप्टो सेल नहीं करनी। कोई दूसरा बंदा भी अगर उसके पास आए ना, तो वो अपने बीच में लटका निवा नहीं रहे 13 मिनट तक, क्या बताओ। अगर अपन भी उसको पेमेंट कर दे और वो भी उसको पेमेंट कर दे, तो भी आप उसके लिए समस्या होगी, और बाइनेंस भी इसमें चक्कर में पड़ सकता है। वैसे अपना पेमेंट वापस रिफंड हो जाते, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो ये देखो दोस्तों, पेड के अंदर भी आ रहा है अभी कि हमने पेड नहीं किया इसको पैसे को, लेकिन मैंने वहाँ पर क्लिक कर दिया कि मैंने पैसे को पेड कर दिया है, लेकिन मैंने किया नहीं था, इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ 13 मिनट के लिए ये आ रहा है, तो अपील पेंडिंग में आ गया, सॉरी ये पेड में आ गया सारा। तो यहाँ से देखो एक चीज़ और भूल गया मैं आपको, पी टू पी पर क्लिक करेंगे और ऑर्डर्स में अपन क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ऑल सारे यहाँ पे आ गए इस महीने के जो भी हैं, अनपेड के ऊपर क्लिक करेंगे, अनपेड के जो भी सारे हो गए, पेड के ऊपर जो भी हमने किया, ये कम्प्लीट वाले मैं बता दूँ कम्प्लीट कितने कर लिए मैंने। ये देखो 86.94 की प्राइसिस से भी मैंने इसको परचेस किया था, 8,694 रुपये मैंने यहाँ पे किए थे टोटल, और $100 मैंने यहाँ से परचेस किया था। यहाँ पे 150 आ रही है, ये सारे ऑर्डर हो गए। अगर बाईचांस क्या होता है कि कंप्लीट हुआ, ये सारे कंप्लीट हो गए, कैंसिल हो गए कुछ ऑर्डर, तो हमारे ऑर्डर भी कैंसिल होते। ये देखो ये कैंसिल हुए थे सारे ऑर्डर, ये कैंसिल ऑर्डर हो गए सारे, बहुत सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए थे मेरे भी। ओके,
तो कैंसिल भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या होते हैं, पेमेंट करते नहीं, अब अपनी चालाकी यूज़ करना चाहते तो इसमें चालाकी यूज़ नहीं होती है, हमने पेमेंट किया ही नहीं, सामने वाले अकाउंट में पैसा गया ही नहीं, तो बाइनेंस अपने को बाइनेंस उसको अथॉरिटी देता है कि यार आप इसको क्रिप्टो सेंड मत करो, उसको पहले ही बोलता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो आप उसको क्रिप्टो सेंड मत करो। ओके, आप उस पर्सन को कॉल भी कर सकते हो, उसमें नंबर आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, उस पर्सन को कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ें होगी सारी कि आपको बाइनेंस अकाउंट से पैसा कैसे कमाना है। कुछ चीज़ें इसमें रह गई होगी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि बाइनेंस के अंदर इतने ज़्यादा ऑप्शन है कि हर चीज़ को कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके दोस्तों, अब मैं आपको फाइनल ऑप्शन में आपको बताता हूँ फास्ट तरीके से, वो है रेफर प्रोग्राम का। सिंपल, इसके ऊपर आप क्लिक करो और रेफर से भी आपको अच्छी खासी इनकम मिलती है। एक चीज़ और इसमें रेली रिवार्ड वाली, वह भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। पहले इसके बारे में थोड़ा डिटेल में नहीं बताऊंगा दोस्तों, थोड़ा थोड़ा आप इसको आपको बता दूंगा मैं, और अगर आप चाहते हो कि इसका डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं आपको उसमें उसका वीडियो भी आपको दे दूंगा। तो देखो, रेफ़र करो अपने दोस्तों को, $100 जीतो, सीधा ही $100 आपको मिलने वाले हैं अपने फ्रेंड को रेफ़र करने पर। ओके दोस्तों, $100 और एडिशनल जो रिवार्ड मिलेगा आपको $1200 का मिलेगा। 1200 BUSD और डॉलर एक ही चीज़ है। ओके, तीन फ्रेंड अगर आप कर लेते हो, तीन फ्रेंड ऐसे हैं जो क्रिप्टो डिपॉजिट इसमें करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह कुछ भी करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, और मिनिमम 1000 रुपये की डॉलर उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तीन मिलके। ओके, तो आपको मिलने वाला है सीधा ही 1200 BUSD का रिवार्ड। 1200 बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर अपन इंडिया से बिलोंग करते हैं तो 1200 का मतलब हो गया कि सीधा ही आपका 1,00,000 रुपये का जैकपॉट लग गया, 1,00,000 रुपये का। तो रेफर और अर्न में भी काफ़ी ज़्यादा फायदे है दोस्तों, कि आप ऐसे ऐसे दोस्तों को बताओ अपने कि जो अमीर है पहले से ही और उनको बाइनेंस के बारे में पता नहीं, तो आप उनको ये वीडियो बताओ, उसके बाद में अपना लिंक भेजो, उनको लॉगिन करवाओ, उसके बाद में वो खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे इसमें और ऑटोमेटिकली आपको रिवार्ड मिलता रहेगा। तो है ना मज़ेदार चीज़। ओके दोस्तों, तो इस तरीके वैसे इसके बारे में डिटेल में वीडियो बाद में बताऊँगा कि कैसे क्या मिलता है पैसा, कितना क्या मिल सकता है, किस बारे में हैक ट्रिक भी लगा सकते हैं, छोटी मोटी ज़्यादा तो बड़ी हैक ट्रिक्स में नहीं लगा पाते, लेकिन कुछ हैक ट्रिक्स इसमें लगा सकते हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, तो अब मैं आपको बताता हूँ छोटी लास्ट चीज़ है, फाइनल चीज़ है, और देखे जाना दोस्तों यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो वीडियो को पूरा देखे जाना, क्योंकि एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें रिवार्ड वाली। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे अपन तो गिफ्ट एंड कैंपेन में आ गए अपन, और रिवार्ड सेंटर और टास्क सेंटर, ये बहुत सारे रिवार्ड सेंटर, टास्क सेंटर, रिवार्ड को अपन बाद में क्लिक, टास्क सेंटर पर अपन क्लिक करते हैं, यानी कि कुछ टास्क करने पर भी अपने को कुछ यहाँ पे इनाम मिलता है, वो भी ज़रूरी है इसमें देखना, क्योंकि क्रिप्टो अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो उससे पहले आप ये देख लो, आपको 10-15 क्रिप्टो का एक्स्ट्रा फ़ायदा होने वाला है। तो मेरी बैटरी काफ़ी ज़्यादा लो हो रही है वैसे यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, अगर आप क्या कर रहे हो 50 USDT इसमें P2P से बाई कर रहे हो, उससे पहले आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे कम्युनिटी के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको 15 USDT का एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा, यानी कि 50 से आपको 15 एक्स्ट्रा मिल जाएगी और 65 टोटल आपको रिसीव हो जाएगी, 15 इसकी ओर से मिलेगी। तो ये है इसमें ये चीज़, नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों, इस वजह से अपन इस वीडियो को अपन यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, आपका थोड़ा सा प्यार हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, जिससे हमें वीडियो बनाने में, इतने लंबे लंबे वीडियो बनाने में भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है, और लगातार अपन इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें भी, क्योंकि बाइनेंस इतनी बड़ी चीज़ है दोस्तों कि इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, आप कमेंट करना दोस्तों कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस तरीके का चाहिए, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए कि मार्केट आपके कहाँ कहाँ जाएगी, आप अपनी मार्केट देख सकते हो कि मार्केट कहाँ कहाँ जा रही है, मार्केट के ऊपर अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो उसके लिए कौन कौन से एप्लीकेशन बेस्ट है, कहाँ से आप कैसी मार्केट के बारे में पता लगा सकते हो, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करूँगा दोस्तों। तो मुझे कमेंट करना दोस्तों, अगर आपने इसको अच्छे से अच्छे लाइक किया, अच्छा सपोर्ट किया, तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए अच्छा खासा ला सकूँ। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सलामत रहे और थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।